अगर आप चंडीगढ़ रूट के ऊपर रोडवेज की बस के अंदर सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दूं कि बढ़ती धुंध के कारण चंडीगढ़ की सरकारी बसें रात की 11 बजे की अस्थायी बंद कर दी गई हैं। जी हाँ, अस्थायी समय के लिए बंद कर दी गई हैं, यानी कि जो यात्री पहले चंडीगढ़ को रात की 11 बजे वाली बस के अंदर हिसार से चंडीगढ़ जाया करते थे, अब वो जो है हिसार से चंडीगढ़ रात को 11 बजे नहीं जा पाएंगे सरकारी बसों के अंदर। हालांकि प्राइवेट बसों की अगर बात की जाए तो प्राइवेट बसें जो है वो सामान्य तौर के ऊपर चलती रहेंगी जैसे कि पहले चला करती थी। अगर धुंध की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि शून्य के लगभग जो है हिसार का तापमान रात्रि के समय पहुंच चुका है, और इसी को लेकर के ताकि बसें जो है दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, आपको देखते हुए, आपकी सेहत को देखते हुए और आपकी सुरक्षा को देखते हुए बसें जो है रात की 11 बजे की सिर्फ चंडीगढ़ की वो अभी अस्थायी तौर के ऊपर बंद कर दी गई है। हालांकि ये आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस बस की बात की जाए तो ये सरकारी बस है और रात को 11 बजे यही बस जो है जाती है, जो अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इस असुविधा के कारण रोज़ाना रात के समय 100 से अधिक जो यात्री जाते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण यात्रियों को निजी बसें यानी कि प्राइवेट बसों के अंदर सफ़र करना पड़ेगा। अगर दूसरी ओर हादसों की बात की जाए तो हिसार डिपो के चालक परिचालकों को रोडवेज बस की स्पीड धीमी रखने के भी सख्त आदेश दिए गए हैं, क्योंकि रोडवेज चालक जो है फुल स्पीड के अंदर बसें चलाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की यानी कि यात्रियों की जान के ऊपर आ बनती है और धुंध के कारण कई बार आगे वाला वाहन दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से हादसे का शिकार रोडवेज की बसें हो जाती है। साथ ही चालक को ये भी छूट मिली है कि अगर धुंध के कारण रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो अपनी इच्छा अनुसार बीच रास्ते में भी ब्रेक लगा सकते हैं ताकि दुर्घटना का शिकार ना हो जाए बस, और यात्री जो है सेफ अपने संस्थान और प्रस्थान के ऊपर पहुंच जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। आपको बता दें कि हिसार डिपो के GMO TM के आदेश के बाद जो है ये जारी कर दिया गया है। अगर नियमों की अवहेलना होती है तो चालक और परिचालक दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बसें आप लोग देख पा रहे हैं, ये बसें रात के समय सिर्फ ये जो लाइट लगी हुई है इसके सहारे नहीं चल सकती है, बल्कि बसों के आदेश दे दिए गए हैं कि रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, और रिफ्लेक्टर इसीलिए लगाए जाएंगे ताकि रात के समय अगर ये बस कहीं पर भी जाती है तो सामने वाले वाहन को पता लग जाए कि सामने से बसें आ रही हैं, और ये रिफ्लेक्टर जो है वो जलते हुए भी दिखाई देंगे। यहीं पर जो है वो रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे, और ये सिर्फ निजी बस के अंदर यानी कि रोडवेज की बसों के अंदर ही लगाए जाएंगे। हिसार डिपो के TM ने यह आदेश जारी किए हैं कि रोडवेज बस के फ्रंट पर पीले रंग की फोकस लाइटें लगाई जाएंगी, साथ ही बस के पीछे रेड आईटेक ट्रायंगल रिफ्लेक्टर लगाने के भी आदेश जारी किए जा चुके हैं ताकि धुंध के चलते लाइट फोकस के दौरान चमके, जिससे सामने वाले वाहन चालक जो है वो सचेत हो जाए। इसके अलावा बस की सभी साइडों पर पीले रंग के रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पीले रंग की पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये रिफ्लेक्टर है, यही रिफ्लेक्टर हर एक बस के अंदर लग जाएंगे, जिसकी वजह से अगर कोई भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये चमकेंगे, चमकने के दौरान जो है सामने वाले वाहन को पता लग जाएगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हादसे नहीं होंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं ट्रायंगल की शेप के अंदर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी जो है हर एक बस के अंदर लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि हादसे से बचा जा सके। जी हाँ, आपको बता देते कि रात 11 बजे हिसार से चंडीगढ़ रूट की रोडवेज बस सेवा को बंद कर दिया गया है। ये फैसला बढ़ती धुंध के कारण लिया गया है, हादसा ना हो इसके लिए रोडवेज बस के पीछे रेड आई के ट्रायंगल रिफ्लेक्टर और पीले रंग के रिफ्लेक्टर लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये रिफ्लेक्टर तो लगा दिए गए हैं और धुंध के कारण ये बसें तो बंद कर दी गई हैं, लेकिन जो यात्री रात को रोज़ाना इस बसों के अंदर यात्रा किया करते थे, आखिरकार अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? अब उन्हें भारी खर्च चुका करके प्राइवेट बसों के अंदर यात्रा करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर रात के समय जैसे
जैसे ही धुंध कम हो जाएगी उसके बाद रात को चंडीगढ़ से चलने वाली बस भी दोबारा से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए ये बसें जो है बंद कर दी गई हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपको बताऊँगी कि कौन सी बसें जो है बंद कर दी गई और कौन सी बसें जो है आगे आने वाले समय के अंदर बंद होने वाली है। तब तक अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।